हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ धमाका मूवी जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक सोशल ड्रामा थ्रिलर मूवी है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं अर्जुन और सौम्या को। सो अर्जुन एक टीवी एंकर होता है और सौम्या उसी चैनल के लिए टीवी रिपोर्टर रहती है। ये लोग TRTV नाम के एक चैनल के लिए काम करते हैं और यहाँ पे अर्जुन सौम्या और उसकी जो हैप्पी मोमेंट्स थे ये सब वीडियो देख रहा था। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इन लोगों का जल्द ही डिवोर्स होने वाला है। क्यों होने वाला है ये हमें आके पता चलेगा। तो यहाँ पे अर्जुन की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो एक टीवी एंकर था लेकिन हाल फिलहाल में उसको टीवी एंकर से डिमोट करके आरजे बना दिया गया है क्योंकि अर्जुन और सौम्या का डिवोर्स होने वाला था। सो अर्जुन का बॉस अंकिता उनके चैनल की रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए अर्जुन को डिमोट कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन एक मॉर्निंग शो चलाता है और उसको एक फोन आता है। कॉलर का नाम था रघुवीर जो कि बोलता है कि उसके पास अभी बॉम्ब है और वो मुंबई का ब्रिज उड़ा देने वाला है। पहले तो अर्जुन रघुवीर को सीरियसली नहीं लेता और उसका कॉल कट कर देता है। तो फिर से वो आदमी फोन करता है इसलिए अर्जुन उसको समझाता है कि हमारे साथ प्रैंक ना करे क्योंकि अर्जुन को लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है और फिर से वो फोन काट देता है। उसके थोड़े ही मिनट बाद वो कॉलर फिर से फोन करता है, रघुवीर फिर से फोन करता है और बोलता है कि ये प्रैंक कॉल नहीं है, उसके पास सच में बॉम्ब है। तो अर्जुन गुस्से में आके बोलता है कि उड़ाना है तो उड़ा दे, मतलब ऐसे गुस्से में बोलता है, उसको पता नहीं था। और थोड़े ही मिनट में हम देखते हैं ब्रिज पे एक धमाका होता है। ये सब अर्जुन ने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन इसको वो पुलिस के साथ शेयर नहीं करता और इस चीज का वो फायदा उठाना चाहता है और वो अपने बॉस अंकिता को फोन करता है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये कॉलर ने मुझे ही फोन किया है और इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अगर ये लोग रघुवीर को फिर से कनेक्ट करते हैं तब इन लोगों का TRP और भी ऊपर जाएगा। मतलब मीडिया यहाँ पे किस तरह से काम करता है आप समझ सकते हो, मूवी में अच्छी तरह से दिखाया गया है, आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे अर्जुन अंकिता के साथ एक डील करता है कि अब से वो ही उनका मेन टीवी एंकर होगा और उसका जो प्राइम टीवी शो था उसको वापस मिल जाएगा। और अंकिता का ऐसा कहना था कि अर्जुन को उसके साथ नेगोशिएट करना है और जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके चैनल को देखे। लाइक अंकिता का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसको अपने चैनल को ही ग्रो करना है, बस वो आतंकवादी को पकड़ना ना पकड़ना ये सेकेंड बात है लेकिन वो अपने चैनल को ग्रो करना चाहती है। और अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल हुआ तो अर्जुन को अपना प्राइम टीवी शो मिल जाएगा और उसको CEO की पोजीशन मिलेगा। और यहाँ पे रघुवीर ने ये बताया था कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। यहाँ पे हम देखते हैं TRTV की तरफ से सौम्या भी वो जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ पे टीवी रिपोर्टिंग के लिए जा चुकी है जिसको देख के अर्जुन थोड़ा डर सा जाता है। तो कॉलर यहाँ पे फिर से फोन करता है, मतलब रघुवीर फिर से फोन करता है और बोलता है कि उसे पेमेंट चाहिए 21,79,245, नहीं तो वो दूसरे चैनल के पास चला जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है TRTV का राइवल होता है IRL TV। रघुवीर यहाँ पे धमकाता है कि जल्द से जल्द पैसे दो नहीं तो वो IRL TV के पास चला जाएगा। यहाँ पे अंकिता उस नेगोशिएशन के लिए मान जाती है और रघुवीर को पैसे भेज दिया जाता है। और यहाँ पे अर्जुन ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसको कभी फोन ही नहीं आया था और वो पहली बार रघुवीर से बात कर रहा है। यहाँ पे अर्जुन रघुवीर को पूछता है कि उसने वो सीलिंग को क्यों उड़ाया। यहाँ पे रघुवीर बोलने लगता है कि वो 1999 में उसने ही वो सीलिंग को बनाया था और करीब 2 साल पहले उसमें कुछ मरम्मत करने का जरूरत पड़ा इसलिए कारीगरों को बुलाया गया था। और काम करते टाइम 3 कारीगर पानी में बह गए लेकिन वो जो रेस्क्यू टीम आने वाला था वो टाइम पे नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ पे मिनिस्टर जयदेव पाटिल आने वाले थे और जो फंक्शन होने वाला था इसके लिए इन मजदूरों को कहा गया कि जल्द से जल्द काम खत्म करो। और सेफ्टी प्रिकॉशन वहाँ पे ठीक नहीं था लेकिन वहाँ पे बोला गया कि जल्द से जल्द अगर काम खत्म करते हो तो ज्यादा 1,000 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं था इसीलिए अनफॉर्चुनेटली 3 मजदूर यहाँ पे मारे गए। तो रघुवीर यहाँ पे बोलता है कि वो जो 3 मजदूर थे उसके दोस्त थे और ना ही सरकार ने उसको उनके फैमिली को माफीनामा या फिर मुआवजा कुछ भी नहीं दिया। और अभी जो 21 लाख ये लिया है वो आज ए कंपेंसेशन रघुवीर उन 3 फैमिली को देगा। और वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी चाहता है उस मिनिस्टर जयदेव से, नहीं तो आगे और भी धमाके होंगे ऐसा वो थ्रेटन करने लगता है। यहाँ पे अंकिता इशारों से अर्जुन से बोल रही थी कि रघुवीर के साथ जितना टाइम हो सके उतना नेगोशिएट करने का कोशिश करो ताकि उनके TRP और भी बढ़ते रहे। इसलिए अर्जुन भी रघुवीर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता मिनिस्टर जी यहाँ पे आ पाएंगे। सर रघुवीर ने जो पहली बार फोन किया था, मतलब अर्जुन ने उसको ऐसे गाली दिया था फोन ना आए तो फोड़, तो वो वाला रिकॉर्डिंग रघुवीर प्ले कर देता है और ये
लाइव था, इसलिए तुरंत यहाँ पे शो को कट किया जाता है और अर्जुन को बाहर बुलाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं शो के लिए और एक लड़की को एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया, और यहाँ पे हम देखते हैं रघुवीर बार बार फोन पे बोल रहा है कि अर्जुन कहाँ पे है, मुझे सिर्फ उसके साथ ही बात करना है, और गुस्से में आके वहाँ पे जो माइक्रोफोन था वो फोड़ देता है। सो ये देख के सब डर जाते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसीलिए फिर से अर्जुन को वहाँ पे एंकरिंग के लिए बुलाया जाता है। अभी अर्जुन को एक नया ईयर पीस दिया गया था, और यहाँ पे ईयर पीस पे रघुवीर बोलता है कि अगर तुमने इसको निकालने का कोशिश किया तो तुरंत ये फट जाएगा, या फिर ये बात किसी को बताने का कोशिश भी किया तो अभी के अभी वो इसको फोड़ देगा। यहाँ पे रघुवीर फिर से डिमांड करता है जल्द से जल्द मंत्री को लेके आओ, नहीं तो ब्लास्ट कर देगा। तो गुस्से में रघुवीर और एक बटन दबा देता है और यहाँ पे और एक ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे अंकिता उधर से बोल रही थी कि जो भी हो जाए मंत्री को वो तो इधर नहीं आएंगे, इसलिए तुम जितना वक्त हो सके उसके साथ नेगोशिएट करो। लेकिन अर्जुन को तो पता है कि उसके कान में एक बॉम्ब है तो वो कभी भी फट सकता है। सो यहाँ पे वो डर के मंत्री के पीए को फोन करता है, जिसको देख अंकिता बहुत गुस्से में थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शो पे सिटी की तरफ से प्रवीण आए थे। यहाँ पे प्रवीण अर्जुन को गाइड करने वाले थे वो कैसे नेगोशिएट करे। अभी रघुवीर ने बोला था सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर जयदेव यानी कि वो मिनिस्टर यहाँ पे आएगा और माफी मांगेगा, नहीं तो वो और एक सीलिंग उड़ा देने वाला है। यहाँ पे सिटी भी वो कॉल ट्रेस करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बार बार कॉल पे जो आईपी एड्रेस था वो चेंज हो रहा था। यहाँ पे अभी 10 मिनट पूरे होने वाले थे और रघुवीर यहाँ पे और एक धमाका करने वाला था, उसके साथ ही साथ वो अर्जुन का जो ईयर पीस लगा हुआ था उसको भी उड़ा देने वाला था। एंड मोमेंट में जयदेव के डिप्यूटी जिसका नाम होता है सुभाष वो आते हैं, और सुभाष यहाँ पे रघुवीर के साथ रूडली बात कर रहे थे, लाइक उसको सड़क छाप और टेररिस्ट ये सब बोलते हैं, और उसको बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे रघुवीर का वो तस्वीर दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो एक सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो जल्द से जल्द सरेंडर करो नहीं तो उसको हम लोग उठा ले जाएंगे। ऐसा करके वो नेगोशिएट के बजाय वो मामला को और भी गर्म कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुभाष के कान में वो ईयर पीस था और रघुवीर वो ईयर पीस फोड़ देता है और सुभाष की वहीं पे मौत हो जाती है। तो ये देख के अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन अंकिता यहाँ पे उसको आके समझाने के बजाय ऐसा बोल रही थी कि द शो मस्ट गो ऑन, यहाँ पे कंपनी का सवाल है, ये सब करके उसको बोलती है, और उसको बोलती है कि उसे इसके बाद प्राइम टीवी शो स्योरली मिल जाएगा। और अंकिता उसको हिंट कर रही थी कि अर्जुन को बोलना है कि नो अपोलॉजी, मतलब अपोलॉजी नहीं मिलेगा मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन अर्जुन यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि रघुवीर को झूठ मूठ का बोलता है कि नहीं आपको अपोलॉजी मिलेगा, और उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था, जिसको देख के अंकिता बहुत भड़क जाती है और उन लोगों का जो राइवल टीवी था IRL टीवी उसको रिपोर्ट देती है कि अर्जुन ने ही ब्राइब लेके 2 साल पहले जो 3 मजदूरों की मौत हुई थी वो फुटेज को डिलीट करवाया, मतलब वो फुटेज को डिलीट करवाने के लिए अर्जुन ने रिश्वत लिया था। यहाँ पे हमें पता चलता है अंकिता ये सब कर रही थी, मतलब दरअसल 2 साल पहले अर्जुन की वाइफ यानी कि सौम्या ने ये सब रिपोर्टिंग किया था, लेकिन ऑब्वियसली मीडिया को खरीद लिया गया है। अगर ये बात मीडिया पे आ जाएगी तो मिनिस्टर जयदेव और उनकी कुर्सी का क्या होगा। सो TRTV ने उस फुटेज को डिलीट करवाने का सोचा और अंकिता ने अर्जुन के जरिए वो फुटेज को डिलीट करवाया, इसीलिए सौम्या और अर्जुन का डिवोर्स होने जा रहा है। दरअसल ये हुआ था, लेकिन अंकिता ने बड़े ही चालाकी से अर्जुन को ही फंसा दिया इस केस पे। अभी हम देखते हैं सौम्या जिस ब्रिज पे खड़ी हुई थी रिपोर्टिंग कर रही थी वो ब्रिज भी गिर जाता है, ये देख के अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है, लाइक उसका करियर भी गया और उसकी पत्नी भी मर गई। यहाँ पे हम देखते हैं सिटी के ऑफिसर बहुत जल्द कॉल ट्रेस करके रघुवीर को पकड़ने वाले थे, लेकिन रघुवीर का यहाँ पे फोन आता है और अर्जुन को बोलता है वो उस बिल्डिंग में है ही नहीं और वो बिल्डिंग भी जल्द से जल्द उड़ने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बिल्डिंग उड़ जाता है और बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे मारे जाते हैं। सिंस वो बिल्डिंग TRTV के बिल्डिंग के पास ही था, सो हम देखते हैं वहाँ का इफेक्ट इधर भी होता है और इन लोगों का स्टूडियो पूरा टूट फूट सा गया था। यहाँ पे रघुवीर फिर से फोन करता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे हम जैसे लोगों को एक्सप्लोइट ही करने वाले हो, एक्सप्लोइट करते हो। यहाँ पे अर्जुन सुभाष जो फोटो लेके आया था वो फोटो देख रहा था, उसको याद आता है कि रघुवीर का एक बेटा भी है, और वहाँ पे एक न्यूज आता है कि 2 साल पहले जो 3 लोग मारे गए थे उनमें से एक का नाम रघुवीर था। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कॉलर और कोई नहीं रघुवीर का बेटा आनंद है। यहाँ पे आनंद बोलता है कि इस TRTV के बिल्डिंग में भी वो एक बॉम्ब लगा दिया है, जल्द से जल्द
वो उसको उड़ा देगा। ऐसा कह के वो अर्जुन जिस स्टूडियो पे था वहाँ पे आता है, लेकिन दूर से हम देखते हैं और एक बिल्डिंग से सीटीयू का एक स्नाइपर आनंद को मार देता है। यहाँ पे टीवी में दिखाया गया था कि आनंद अभी मर चुका है, और तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज आता है IRL टीवी की तरफ से। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली अर्जुन ने जो बोला था ना फोड़ना है तो फोड़, ऐसा कह के बोला था, तो इस बात को काट पीट के वो ऐसा दिखाते हैं कि इस प्लान के पीछे अर्जुन और आनंद ये लोग मिले हुए हैं। तो ये देख के अर्जुन पूरा मतलब क्या करे क्या ना करे ये सब सोचने लगता है। और थोड़ी देर में अर्जुन को अरेस्ट किया जाने वाला था, और वो अंकिता को फोन लगाती है। अंकिता यहाँ पे बोलते हैं किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा ना, अगर अर्जुन को ये लोग नहीं फंसाते हैं तो पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो अंकिता ने अर्जुन के ऑफिस से जो आसिफ एक बंदा था पहले सीन में हम देखे थे उसके साथ मिलके अर्जुन को फंसा दिया ताकि TRTB के ऊपर कुछ भी ना आए। और वो ऐसे न्यूज पे दिखाते हैं कि आनंद के साथ उसका उठना बैठना है ये सब झूठा बयान आसिफ दे रहा है, और अभी अर्जुन उसको धमकाता है कि मेरे पास भी प्रूफ है। लेकिन अंकिता यहाँ पे बोलती है कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए जब आनंद ने पहली बार अर्जुन को फोन किया था तभी अगर वो पुलिस को बता देता तो ब्रिज पे जितने लोग थे वो भी नहीं मरते और उसकी पत्नी भी नहीं मरती। लेकिन अंकिता ने बड़े ही चालाकी से अर्जुन को झूठा केस में फंसा दिया था। तो ये देख के अर्जुन गुस्से में वो जो बॉम्ब था वो ट्रिगर दबा देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और वहीं पे अर्जुन भी मारा जाता है। यहाँ पे मूवी खत्म होता है। सो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।